पांच दिवसीय गंगा यात्रा का आज तीसरा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर में गंगा यात्रा में करेंगे शिरकत। नावंदवासिनी मंदिर के दर्शन पूजा करने के बाद वो अमरावती चौराहे पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मिर्जापुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विद्यांचल में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। उनके साथ बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने देवरवा बाबा आश्रम में हंस बाबा के दर्शन किए। मिर्जापुर के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। वहीं मोहन भागवत ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में यूपी को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार में मिली ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। यूपी के सैदपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गंगा यात्रा को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि गंगा जी सबकी है। यूपी में शुरू हुई गंगा यात्रा वाराणसी के राजघाट पहुंच गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में गंगा यात्रा राजघाट पहुंची। यहां गंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। केशव प्रसाद मौर्य के साथ कई मंत्री भी मां गंगा की आरती में शामिल होंगे। फांसी से बचने के लिए निर्भया के दोषी अक्षय सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। अक्षय के अलावा एक और दोषी विनय भी याचिका दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तिहाड़ प्रशासन से पूछा है कि फांसी की क्या तारीख सेशन कोर्ट ने तय की है। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम को मंगलवार को राजद्रोह के आरोप में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, शर्जील इमाम तो पकड़ा गया, अमित शाह ने कर दिखाया कि सब टुकड़े टुकड़े गैंग देश तोड़ने का काम करे और आप उन्हें बचाने के लिए फाइल दबा के बैठे रहे। सीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में पीएफआई फंडिंग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी किसी का नाम जोड़कर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी अपनी फंडिंग के बारे में नहीं बताती। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर अमित शाह पर हमला बोला। संजय सिंह ने अमित शाह द्वारा चुनावी सभाओं में बार बार शाहीन बाग का जिक्र करने पर ट्वीट कर तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि शाहीन बाग भाई तू गृहमंत्री है या बस का कंडक्टर। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा गांधी शांति यात्रा के दौरान फिरोजपुर में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने एनआरसी को लेकर कहा कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं थी, सरकार समाज को बांटना चाहती है। मंगलवार को गंगा यात्रा में शामिल होने सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री आशुतोष टंडन ने यात्रा को सफल बताया। उन्होंने कहा कि गंगा के अविरल निर्मलता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। झांसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी है। रामनवमी पर भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने को लेकर अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने वैदिक मंत्रोच्चार से धर्मादेश यज्ञ किया। इस आयोजन को लेकर महंत परमहंस दास ने कहा है कि श्री रामलला टेंट में विराजमान है, जिससे संत दुखी है। कौशाम्बी में सीबीआई की टीम ने फिर से डेरा डाल दिया है। वो 2012 से 2016 तक हुए अवैध खनन की जांच कर रही है। सीबीआई के अधिकारियों और बालू माफियाओं से पूछताछ करेगी। प्रतापगढ़ में गंगा के किनारे गांव में गंगा आरती की जा रही है। 30 जनवरी को मुख्यमंत्री को यहां जाना है। गंगा यात्रा में काला कांकर 27 जनवरी से 31 जनवरी तक घाट गंगा पर बसे गांव में आरती का आयोजन किया गया। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मंगलवार को प्रशासन की ओर से जेल रोड स्थित परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विधि विधान से 137 हिंदू जोड़ों ने सात फेरे लिए और 25 मुस्लिम जोड़ों को निकाह पढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज के बीवी इंटर कॉलेज में 5 दिवसीय एनसीसी ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मंगलवार को अलीगढ़ से आए ग्रुप कमांडर संजय भाटिया ने एनसीसी के छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग से संबंधित कई जानकारियां दी।
कोरोना वायरस को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर बने हेल्प डेस्क का सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने निरीक्षण किया। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट अलर्ट पर हैं। रामनगर में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के पहली बार आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बंशीधर भगत ने कहा है कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा नेपाल बॉर्डर पर बनबसा पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को गश्त के दौरान दो नेपाली चरस तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। दोनों चरस तस्करों के पास से पुलिस और एसएसबी को 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों में है। अलीगढ़ में सीए और एनआरसी को लेकर विरोध तेज हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने अब्दुल्ला विमेंस कॉलेज में प्रदर्शन किया। नागरिकता संशोधन कानून से लेकर एनआरसी और एनपीआर के विरोध में नारेबाजी करते हुए छात्राओं ने अपनी क्लास और एग्जाम का भी बहिष्कार किया। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल का लेंटर गिरने से करीब आधा दर्जन बच्चों सहित स्कूल की प्रधानाध्यापिका घायल हो गई। घायलों का इलाज जारी है। मेरठ के मवाना में छुट्टी पर आए एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिपाही का शव गोली लगी हालत में गांव के बाहर जंगल में मिला। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। यूपी के शाहजहांपुर में एक फौजी को अपने ही पिस्टल से गोली लगी। पिस्टल साफ करने के दौरान यह हादसा हुआ। इलाज के दौरान फौजी की मौत हो गई, वहीं परिवार में कोहराम है। कासगंज में बीते दिन सड़क हादसे में घायल हुए युवक की अलीगढ़ में उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत से परिवार में मातम पसरा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने एक खुलासा करते हुए शिक्षा विभाग पर करीब 2 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। एबीवीपी के अनुसार जो किट महज 1500 रुपये में तैयार हो जाती है उसके 5000 चार्ज किए गए हैं। जिस एयर पंप को सीटीओ द्वारा मुफ्त में दिए जाने का भरोसा दिलाया गया था उसके भी 500 चार्ज किए गए। यूपी के बलरामपुर में जननी शिक्षा सुरक्षा कार्यक्रम दम तोड़ता दिख रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीजों से वसूली का अड्डा बन गया है, जहां प्रसव के लिए गर्भवती से 500 से 900 रुपए की वसूली होती है। यूपी के लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इलाके में वायरस को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में बॉडी कैमरा और बाइक से लेस होंगे बीट सिपाही। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने थाना बिसरख में 47 बीट पुलिस अधिकारियों को बीट पुलिस प्रणाली के अंतर्गत बीट वाहन का वितरण किया है। हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया गया। वहीं ये प्रणाली अपराधियों पर नजर रखने, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने और अपराध कम करने में बेहद उपयोगी होगी। उत्तराखंड के चंपावत में सड़क दुर्घटना में एक आर्मी जवान की मौत हो गई। मंगलवार को बाइक सवार आर्मी जवान एक ट्रक की चपेट में आ गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। गाजियाबाद की मसूरी में एक रैक्सीन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। अमेठी ट्रेन से कटकर 7 गौवंशों की मौत हो गई है। एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर जाकर शव का अंतिम संस्कार कराया। वहीं घटना में 2 गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका पशु चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया। यूपी के जालौन में सीए के विरोध में कुछ महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। पीरों वाली मस्जिद के मैदान में अपना विरोध जताने सैकड़ों महिलाएं पहुंची। बांदा में करतल से आए किसानों ने खरीद केंद्र में धान की खरीद न होने से आहत होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने धान खरीदे जाने की प्रशासन से गुहार लगाई। आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से पुलिस ने लाखों का माल जब्त किया। यूपी के उन्नाव में एक किशोरी की मौत से सनसनी फैल गई। सोमवार से लापता किशोरी का शव खेत में मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सिद्धार्थनगर जोगिया में नाली बनाने को लेकर हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। इस झगड़े में एक लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। अस्पताल में जारी है लड़की का इलाज।
रामपुर में 8 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी ब्लॉक कर्मी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। 22 जनवरी को 8 वर्षीय नाबालिग बच्चे का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला था। शाहजहांपुर में पशु चिकित्सालय परिसर में मिली 70 वर्षीय बुजुर्ग की लाश, हत्या कर शव को फेंके जाने का शक, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राज्य के पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। सोमवार रात से ही उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। यहां लोनी बॉर्डर इलाके में मेडिकल स्टोर संचालक शादाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। टैंकर लूटने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। रामपुर में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां बदमाशों ने मोटरसाइकिल से जा रहे दंपत्ति से पहले तो लूटपाट कर पति को बंधक बनाया, उसके बाद तमंचे के बल पर पत्नी से दुष्कर्म किया। शाहजहांपुर में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे 42 शिक्षकों का खुलासा हुआ है। बीएसई ने कार्रवाई करते हुए 27 फर्जी शिक्षकों पर FIR दर्ज करवाई है। लखनऊ के रहने वाले देवांगी ने मात्र 9 साल की उम्र से ही ड्रम बजाना शुरू कर दिया। आज वो दुनिया के सबसे कम उम्र के ड्रम बजाने वाले बन गए हैं। उनकी मम्मी राशि दीक्षित का कहना है कि बर्थ से ही ड्रमर है। देश की लगभग हर ऑटो कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वर्जन वाहनों की लॉन्चिंग शुरू कर दी है। इसी के तहत अब टाटा मोटर्स नेक्सॉन ईवी लॉन्च की है। इस लॉन्चिंग के दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर के अलावा रतन टाटा भी मौजूद थे। इस कार की शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपए है, जबकि टॉप वेरियंट में कीमत 15.99 लाख रुपए है। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने कुछ मॉडल के दाम तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए कदम उठाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनका यह बयान सीए एनआरसी को लेकर है। अपने बयान में पूजा भट्ट ने सीए एनआरसी का विरोध करते हुए कहा कि ये मेरे घर को बांटता है। उन्होंने अपने बयान में नेताओं से शाहीन बाग की औरतों को सुनने की अपील की है।